23 फरवरी 2019। जी हाँ, 23 फरवरी से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को। दिव्य दृष्टि का सीजन फर्स्ट का फर्स्ट एपिसोड आप लोगों को 23 फरवरी 2019 को ही देखने को मिला था, जहां पर फर्स्ट एपिसोड में ही लोग दीवाने हो गए थे, ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला था इस शो को। यही वजह है कि इस शो को आज भी याद किया जाता है। अगर देखा जाए तो सुपर नेचुरल शो का उस टाइम पर बहुत ही क्रेज था। यही वजह है कि एक के बाद एक कई सारे सुपर नेचुरल शो आते गए, चाहे फिर वो बात हो ये जादू है जिन का, बात हो कवच या फिर हैवान या फिर कई ऐसे सारे शो जो कि सुपर नेचुरल शो थे, जहां पर इन शो की काफ़ी ज़्यादा क्रेज था ऑडियंस में। यही वजह है कि इन शो को काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद किया जाता था और दिव्य दृष्टि शो ने तो कमाल ही किया था। स्टार कास्ट के बारे में अगर बात करिए तो आप लोग जानते होंगे सीजन फर्स्ट में दिव्य दृष्टि के शो में आपको नज़र आई थी सना सैयद और उनके साथ में उनकी बहन का किरदार प्ले कर रही थी नायरा बनर्जी। यानी इन दोनों की जोड़ी इतनी कमाल की थी, जहां पर दिव्य और दृष्टि का कैरेक्टर प्ले कर रही थी ये दोनों, और दोनों ने ही अपने शो को इतनी अपने कैरेक्टर को इतनी बखूबी निभाया था, जो कि इन्हीं को एक बार फिर से ऑडियंस देखना चाहती है। एक बार फिर से सना सैयद और नायरा बनर्जी को ही, इन दोनों की जोड़ी को ही देखना चाहती है एक बार फिर से सीजन टू में। मैं जी हाँ, हर एक शो के सीजन टू आ रहे हैं जो कि पॉपुलर शो रह चुके हैं। सो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको दिव्य दृष्टि शो के बारे में। तो दिव्य दृष्टि की अगर बात की जाए और वहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर अगर सना सैयद और नायरा बनर्जी को रिप्लेस करते हुए मोनी राय और वेला यानी कि हमारी सुरभि ज्योति की जोड़ी नज़र आए तो कैसा रहेगा, ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए। अगर देखा जाए तो दोनों ही नागिन कमाल की थी। सीजन फर्स्ट में मोनी राय का जलवा दिखा तो वहीं सीजन टू और सीजन थ्री में आपको सुरभि ज्योति का जलवा दिखते हुए नज़र आया था। जी हाँ, दोनों ने ही अपने जलवे बिखेरे हैं नागिन के शो में, और दोनों ही नागिन एक साथ आकर बहनों का कैरेक्टर अगर प्ले करती हैं इस शो में तो शो तो धमाल करेगा। जी हाँ, इस शो की TRP बहुत ही हाई होने वाली है अगर मेकर्स इन दोनों ही हाई डिमांड एक्टर को कास्ट करते हैं। मोनी राय और अगर सुरभि ज्योति की बात करें तो दोनों ही हाई डिमांड एक्टर हैं, और इसके अलावा अगर बात करें इन एक्ट्रेसेस के बारे में तो ये दोनों की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो ऐसे में अगर इस सुपर नेचुरल शो में इन दोनों की एंट्री हो जाती है तो फिर ये शो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा TRP में। ज़रूर बताना अपने कमेंट्स के ज़रिए कि मोनी राय और ज्योति को एक बार देखने के लिए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर एक ही शो में दोनों नज़र आएँ तो फिर कमाल होगा। ज़रूर बताना अपने कमेंट्स के ज़रिए कि दिव्य दृष्टि शो में आप लोग नायरा बनर्जी और सना सैयद को रिप्लेसमेंट के बाद किस एक्ट्रेसेस को देखना चाहेंगे इनकी जगह पर, और ये ऑप्शन आपको कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।